हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये न्यू चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं हुई है आप लोगों से 10th क्लास से रिलेटेड कि कितने चैप्टर्स करवाने हैं, इसलिए अभी आप लोगों को सारे चैप्टर्स ही मैं करवा रही हूँ। ठीक है, अगर बीच में अगर कुछ इस तरीके से आता है कि कितने चैप्टर्स करवाने हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों के अभी डेली बेसिस पे क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर। सोशल साइंस का आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर किया था द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम उन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं या जिनमें ह्यूमन्स ने मॉडिफिकेशन करा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में। ठीक है, इट इज सप्लाइज द रॉ मटेरियल फॉर वेरियस लीडिंग कंपनी, तो सॉरी लीडिंग इंडस्ट्रीज, तो जितनी भी वेरियस अभी न्यू इंडस्ट्रीज हैं वहां तक रॉ मटेरियल पहुंचाने का काम हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही करता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो खेती नहीं करेंगे तो किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे रॉ मटेरियल जाएगा। लाइक अगर आलू की चिप्स की अगर हम बात कर रहे हैं जो पैकेट्स के तौर पे आती हैं लेज वगैरह की, ठीक है, तो वहां तक आलू अगर नहीं पहुंचेगा, अगर आलू की खेती नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज में पहुंचेगा ही नहीं, इंडस्ट्री में पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर वो चिप्स का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जितने भी रॉ मटेरियल है वो पहुंचाने का काम जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही करता है। इट ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज पोर्शन ऑफ अ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। साथ ही साथ में हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए वो बहुत लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इट इनेबल्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। साथ के साथ हमारी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे भी काफी कुछ कमा सकती है, क्योंकि अदर कंट्रीज में भी हमारे इधर से ही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ मेन सपोर्ट फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। साथ ही साथ जो इंडियाज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको भी मेन सपोर्ट करता है। क्यों मेन सपोर्ट करता है? क्योंकि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सामान पहुंचाना है तो कोई हाथ में लेकर तो जाएगा नहीं, ठीक है, इतना लार्ज स्केल में, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी एक अलग मतलब वहां पे यूज होना पड़ता है, जिस वजह से उनका भी जो जॉब है वो सिक्योर हो जाता है और वो डेली बेसिस पे वो भी एक काम चलता रहता है। ठीक है, इट ऑल्सो क्रिएट द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड हेल्प द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो जिस तरीके से डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, उसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो उनको रॉ मटेरियल एक लार्ज स्केल पर प्रोवाइड कर सकता है, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। नाउ मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया की मेजर क्रॉप्स क्या क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो वो क्रॉप जो रेनी सीजन के टाइम पे उगाई जाती है, मीन्स बोई जाती है, उसे खरीफ क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो और इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन है वो जून से सेप्टेम्बर तक का रहता है। तो इस समय पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है खरीफ क्रॉप के। ये जनरली इस वेदर में, मीन्स अभी जो टाइम चल रहा है वो इस टाइम पे ये वाले जो क्रॉप्स हैं इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, सम और एग्जाम्पल्स लाइक राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर कैन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। नेक्स्ट आती है रबी क्रॉप्स। ठीक है, दे आर जनरली प्लांटेड इन नवम्बर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। तो ये जनरली नवम्बर में, मीन्स ठंड के मौसम में इसे प्लांट किया जाता है, और अप्रैल मंथ में जब गर्मी पड़ती है तब इसकी कटाई होती है। ठीक है,
वीट बार्ले पी एंड ग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. तो वीट बार्ले पी ये एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के, ठीक है, क्योंकि ये ठंड के मौसम में इनको बोया जाता है और गर्मी के मौसम में इन्हें काटा जाता है. फिर ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप के, वीट ग्राम पोटैटो मस्टर्ड कोरिएंडर ओट, ठीक है. नाउ जैद क्रॉप. जैद क्रॉप जनरली ये रबी एंड खरीफ क्रॉप जो होती है उसके बीच के सीजन में इसे उगाया जाता है, ठीक है. जैद सीजन इज अ शॉर्ट पीरियड बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ. तो समर मंथ के बीच में एक शॉर्ट पीरियड होता है रबी एंड खरीफ क्रॉप का, ठीक है, उस समय इसे बोया जाता है. क्रॉप प्रोड्यूस्ड आर वाटरमेलन मस्क मेलन कुकुम्बर वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स. तो जनरली वाटरमेलन मस्क मेलन कुकुम्बर, ठीक है, और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो इस टाइम पे उगाई जाती हैं. नाउ क्रॉप सीजन इन इंडिया. खरीफ मॉनसून क्रॉप कहलाती है, रबी विंटर क्रॉप कहलाती है और जैद समर क्रॉप कहलाती है. खरीफ का टाइम होता है जुलाई से अक्टूबर तक का, ठीक है. रबी का टाइम होता है अक्टूबर से फरवरी का और जैद का होता है मार्च टू जून का, ठीक है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ खरीफ रबी एंड जैद. राइस मेज ज्वार बाजरा सोयाबीन कॉटन ग्राउंडनट जूट उड़द दाल मूंग दाल तुअर दाल. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप, ठीक है. रबी क्रॉप के एग्जांपल्स वीट बाले ग्राम पी मस्टर्ड, ओके. नाउ जैद क्रॉप्स के एग्जांपल वाटरमेलन मस्कमेलन कुकुम्बर वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स. मस्कमेलन का मतलब होता है मस्कमेलन को बोला जाता है खरबूजा, ठीक है. वाटरमेलन तो आप लोग को पता ही होगा तरबूज, मस्कमेलन को बोलते हैं खरबूज. नाउ व्हाट इज कैश क्रॉप. अब एक कैश क्रॉप भी कहलाती है. अब कैश क्रॉप क्या है, कैश का मतलब तो पैसा होता है, ठीक है. तो कैश क्रॉप दैट मीन्स कि पैसे की खेती नहीं ना, पैसे की खेती तो होती नहीं है, सबको पता है कि पैसा तो बनाया जाता है, ठीक है. अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे या डिफरेंस के तौर पे हम समझते हैं कि फूड क्रॉप या कमर्शियल, कमर्शियल दैट मीन्स कि कैश क्रॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. तो फूड क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप क्या होती है, ठीक है. फूड क्रॉप आर एनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट कैन बी ईटन सच एज कॉर्न सोयाबीन सनफ्लावर, ठीक है. तो फूड क्रॉप जनरली कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसे खाने के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है. कैश क्रॉप जनरली कैश क्रॉप को भी खाया या पिया ही जाता है, लेकिन इसका पर्पस जो रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है. कैश क्रॉप आर दोज क्रॉप विच आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट. तो कैश क्रॉप जो रहती है उसे इसलिए ग्रो किया जाता है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है. दे आर जनरली परचेज्ड बाय पार्टीज सच एज द डेवलप्ड कंट्रीज. और ये जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से परचेज की जाती है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन कॉफी एक्सेट्रा, ठीक है. तो कॉटन और कॉफी दैट मीन्स कि अदर कंट्रीज में जनरली इन्हें बेचा भी जाता है या कई बार खरीदा भी जाता है, ठीक है. कॉटन या कॉफी को मीन्स जहां पे इन सब की पैदावार ना हो, जहां पे इनका एग्रीकल्चर ना हो, ठीक है, तो वहां पे इसे बेचा भी जाता है. तो ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है क्योंकि अदर कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा कॉफी ही पी जाती है, ठीक है. टी का यूज जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है. एंड कॉटन आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ एंड अदर पर्पसेस. तो हमारे इंडिया में इसकी पैदावार जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो हमसे ये सारी चीजें खरीदती है. तो ये कमर्शियल बेसिस पे हो गया, ठीक है. दिस क्रॉप इज एसेंशियल फॉर लिविंग एंड हैज लेस वैल्यू कम्पेयर टू कमर्शियल क्रॉप्स. तो जनरली ये जो क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप्स जो होती हैं, वो लिविंग पर्पस पे ही खरीदी जाती है, मीन्स जो आसपास इंडिया में खरीदी जाती है. तो एज कम्पेयर टू कमर्शियल क्रॉप इनकी जो वैल्यू रहती है वो काफी कम रहती है, ठीक है. दिस क्रॉप इज कल्टिवेटेड फॉर एक्स्ट्रा इनकम एंड हैज मोर वैल्यू. तो और ये वाली जो क्रॉप्स होती है कमर्शियल क्रॉप, ठीक है,
ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए होती है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू जो रहती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये मेजर क्रॉप्स हैं और ये किस किस स्टेट में कितनी कितनी परसेंट पे ग्रो की जाती है, ये पूरा एक उसका चार्ट है। ठीक है, इसके आगे हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन ये नेक्स्ट वीडियो में कल आपको भेजूंगी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में कि हमारे इंडिया में कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है और उसे किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय।